हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं आप सभी मेक श्योर sure आप सभी अच्छे होंगे फिट होंगे एंड फाइन होंगे और आज के सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे आई आई एम एम गुड गुड सो कितने पार्टनर्स यहां पर रेडी है हमारे साथ जितने भी हमारे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड है सो so, आप सभी मेक श्योर sure की विद डायरी और पेन होंगे बिकॉज आज मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ आज हमारे साथ कोई होस्ट नहीं है आज मैं हूँ आज मैं होस्ट करूंगी फुल सेशन मेक so sure आप सभी विद डायरी और पेन होंगे आप सभी डायरी और पेन के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे बिकॉज़ आज का सेशन अल्टीमेट होने वाला है अल्टीमेट मींस अल्टीमेट बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हों जो शायद अपनी स्टोरी मेरी स्टोरी को खुद से रिलेट करेंगे तो so वेलकम है आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर तो शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं आज किसी को, कोई और नहीं आने वाला यहाँ पर सिर्फ मैं और आप लोग रहेंगे आज घंटा सिर्फ हम बातें करेंगे लाइक like. सो so, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैं ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट हूँ बहुत सारे कैंडिडेट है हमारे बीच में जो कि बात की जाए न्यू पार्टनर्स हैं हमारे साथ राइट न्यू पार्टनर्स हैं और और हो सकता है कुछ हमारे साथ हाउस वाइफ हो कुछ हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि अपना स्कूल कर रहे हैं कॉलेज कर रहे हैं और साथ ही साथ हो सकता है आप अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हो तो फॉर एवर लिविंग में मेरी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई मैं कैसे यहाँ तक पहुंची और मैंने क्या स्ट्रगल फेस किया और मेरी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन आए आज मैं आप लोगों को सभी ये चीजें बताने वाली हूँ सो so स्टार्ट करते हैं फॉर एवर लिविंग स्टार्ट करते हैं लिविंग में मेरी शुरुआत हुई थी दो हजार सतारा में जैसे आप लोगों की लाइफ में दो हजार तेईस के अंदर ये कंसेप्ट लाइफ में 2017 में आया था और उससे पहले मैं क्या कर रही थी मैंने प्लस टू के एग्जाम दिए इन टू थाउजेंड फिफ्टीन और उसके बाद बस जर्नी चल रही थी और मैं स्टार्ट करूंगी कि इस चीज से कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर कहते हैं ना छोटों को बड़ा बनना पड़ता है जिंदगी में लाइफ के अंदर फैमिली के अंदर आपको उठानी पड़ती है तो स्टार्ट करते हैं इन 2015 मैं प्लस के एग्जाम दे रही थी मार्च फाइनल्स चल रहे थे एज यूजल जैसे अभी बच्चों के खत्म हुए हैं थोड़े टाइम पहले ही तो मेरा फाइनल एग्जाम था और लाइक मैं एक रिलेटिव के घर पर थी और मेरे घर से एक कॉल आया थर्टी थर्टी मार्च टू मेरे घर से कॉल आया और मैं इतनी ज्यादा एक्साइट एक्साइटेड थी अपने घर जाने के लिए अपने फादर से मिलने के लिए अपनी मम्मा से मिलने के लिए अपने ब्रदर सिस्टर से मिलने के लिए लेकिन कहते हैं ना एक दिन ऐसा आता है जिससे आपकी ना पूरी जिंदगी लाइक चेंज हो जाती है आपको समझ नहीं आता लाइक ये यार हो क्या गया है ना होता है ना ट्रबल में फंस जाते दल दल जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है मैं इतनी खुश थी कि प्लस टू के एग्जाम खत्म हो गए और अब कॉलेज जाऊंगी और इतनी एक्साइटमेंट लाइक लाइफ में वो मैं भी कभी कॉलेज जाऊंगी क्योंकि मेरे सिस्टर ने भी रेगुलर कॉलेज नहीं किया उन्होंने भी प्राइवेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइटेरिया शुरू से ही इतने अच्छे नहीं थे लेकिन उस टाइम तो ऐसा हुआ कि 2015 में 30 30 मार्च को घर से कॉल आया कि लाइक तेरे फादर नहीं रहे आप सोचकर देखो आप इवनिंग में आराम से बेड पर लेटे हो आप एक मूवी इंजॉय कर रहे आप हो आप स्ट्रेस फ्री हो और आपको सडनली एक कॉल आ रहा है आप शु... मैं मैं शॉक हो मेरे मेरे हाथ से फोन गिरा को समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया और हमारा घर मैं जहां थी वहां से कुछ नहीं थर्टी फाइव किलोमीटर के डिस्टेंस पर मेरा घर था और मुझे नहीं समझ आ रहा था कह रहे थे फादर को हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं पीजीआई लेकर आ रहे हैं देख रहे हैं गाड़ी के अंदर है अभी और मैं लाइक चप्पल भी नहीं पहनी फोन फेंका और मैं भाग कर जा रही हूँ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है लाइफ में तो ये चीजें चली तो उसके जाने के बाद लाइक जो भी सॉर्ट आउट हुआ सब कुछ रिलेटिव आए गए दस बारह तेरह दिन बाद है ना तो सब चले गए आकर तो घर में होता है ना यार एक खालीपन होता है कि अब क्या नेक्स्ट व्हाट द नेक्स्ट अर्नर पर्सन तो चला गया जो अर्न कर रहा था अब घर कैसे चलेगा रिलेटिव्स भी आए बारह तेरह दिन खूब रहे घर में बातें भी चली क्योंकि कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है लाइक हमें पता था यार हमारा क्या लॉस हुआ है यहाँ पर रिलेटिव आए बातें बूते करी थोड़ा बहुत रोए और देन गॉन सब चले गए अपने घर पर कोई फोन करके ये नहीं पूछता कि लाइक like, आपके घर में किसी चीज की जरूरत है या नहीं है हम रेंट पर रह रहे थे और मेरे मदर ने जॉब करना स्टार्ट किया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइक like, मैं क्या करूं मेरे ब्रदर्स ने मेरे फादर का, का काम टेक ओवर करा उसे संभाला वो भी छोटे थे एज में तो उन्हें भी नहीं समझ आता क्या करे मार्केट के अंदर अपसेट डाउन है क्या रेट है कुछ नहीं पता तो मैंने अब मैं सोच रही यार मैं एडमिशन लूँ कि ना लूँ अब ये समझ नहीं आ रहा लेकिन मेरे मदर मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि हम एक, एक अच्छी एजुकेशन ले तो मेरे मदर ने कहा नहीं तू जा कॉलेज में जा एडमिशन करवा तो मैं अपने घर से चंडीगढ़ आई यूनिवर्सिटी मैंने एडमिशन्स वगैरह करवाए फर्स्ट ईयर दिया सेकेंड ईयर दिया देन हम बैक टू चंडीगढ़ उस टाइम हम थोड़ा पंजाब साइड में रहते थे हम वापस चंडीगढ़ आ गए हम वापस चंडीगढ़ आए और देन उसके बाद तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट करी मैं अभी स्टिल ग्रेजुएशन में मेरा फर्स्ट ईयर है मैं सेकंड सेमेस्टर में आ गई फर्स्ट ईयर मैंने वहीं से दिया फर्स्ट सेम मैं सेकंड सेम में आई हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए लाइक like मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करा मैंने रिज्यूम्स बनवाए की परसुइंग ग्रेजुएशन ये वो बहुत अच्छे से रिज्यूम्स बनवाए मुझे ऐसा लगता है जितने की जॉब नहीं मिली थी उससे ज्यादा का तो लाइक like, रिज्यूम में बच्चा पैसा खर्च कर देता ये है ये रियालिटी है और जब देखा मार्केट में जॉब नहीं है तो लाइक एक कॉस्मेटिक का एक कॉस्मेटिक शॉप की ऑफर आई स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल बिगिनर लेवल पे बता रही हूँ सारी चीजें तो मुझे एक कॉस्मेटिक शॉप पर जस्ट ऐसे ही वहां पर एक पर्चा लगा हुआ था एक काम करने वाली लड़की की जरूरत है मैं चली गई अंदर मैं इनका लाइक किस टाइप का वर्क तो कह रहे हैं कुछ ही नहीं बस लेडीज आएंगी उनको डब्बों में से लिपस्टिक बिंदी निकाल निकाल कर दिखाना है मैं और मैं कह रही यार मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ मुझे कोई ढंग का काम कोई कंप्यूटर वगैरह की जॉब है तो बताओ कह रहे नहीं नहीं अगर ये करना है तो बता दो तो मैंने पूछा सैलरी क्या मिलेगी कह रहे पंद्रह सो दो हजार रुपये ले लेना इससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे तो मुझे ऐसा लगा यार कुछ ना से बेहतर है जब तक नहीं अच्छी जॉब मिलती यहाँ ट्राई करते हैं मैंने वहां काम करना शुरू करा और लेडीज आती लाइक लिपस्टिक वगैरह दिखा रही हूँ शेड्स दिखा रही हूँ मैम ये है वो है अब मुझे ज्यादा मतलब इन चीजों की उस टाइम नॉलेज नहीं और वो कह रहे पिंक दिखाओ मेजेंटा दिखाओ मुझे सारे कलर सेम लगे मैं निकाल कर दिखा दिखाओ बिंदी दिखाओ इसका ग्लू कैसा है और मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता था ना खुद पे शर्म आती थी कितनी पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप ने इतने अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया इतने अच्छे मतलब पीयू से नाम है पीयू यूनिवर्सिटी का कि आप वहां से ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप लाइक करके आ रहे हो बिंदी का ग्लू बता रहे हो कितने दिन चलने वाला है ये आप माथे पर लगाओगे वॉटर है दो दिन नहा लोगे ये नहीं कहीं पर जाएगा लाइक मुझे वो चीजें वहां पर डिस्क्राइब करनी पड़ती थी और वो चला थोड़ा टाइम चला तो मुझसे ज्यादा दिन वो जॉब हुई नहीं क्योंकि शुरू से ही नेचर था किसी के अंडर काम नहीं कर सकते पर कहते ना मजबूरी हर चीज करवा देती है वहां का ऑनर इतना डांटता कि आपको काम करना नहीं आता तो वहां पर थोड़ी बहस वसाई होने लगी तो उन्होंने मुझे एक दिन कह दिया जाने के लिए तो मैं मेरा थोड़ा सा ऐसा है मैं उसी टाइम आ गई मैंने कहा आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि मेरा मंथ कब पूरा होगा लाइक मैं तो जा रही हूँ मुझसे नहीं होने वाला <coughs> मैं आ गई वहां से अब मैं अपने मदर को कैसे बताऊं लाइक like, मैंने तो जॉब छोड़ दी समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं अपने मदर को बड़ी हिम्मत करके मेरे मदर भी शाम को वापस आए जॉब से तो मैंने उन्हें बताया बड़ा हिम्मत करके कि मैंने तो छोड़ दिया मेरे मदर कहते चल कोई बात नहीं छोड़ दी तो दूसरी सर्च कर ले तो उस टाइम एक आंटी आए घर पे ऐसे ही आस पड़ोस वाली आंटी आ जाती है तो वो आए कह रहे लड़की तेरी पढ़ी लिखी है तो एक जगह पर जॉब है वहां पर इसको लगवा दे तो मम्मी कहते ठीक है नंबर दे दो

कि मतलब इंडियन पेरेंट्स का मैं माइंड बता रही हूँ उन्होंने क्या करा कहीं से अरेंज वगैरह करे थोड़े बहुत एफडीज वगैरह थे जो फादर के मेरे अकाउंट में से पैसे वगैरह निकले थे सब करके जोड़ जाड़ के सब वहां पर दे दिए अब अट्ठाईस हजार भी चले गए अब जॉब कर रहे हैं अब जॉब पता लग रहा है टारगेट बेस है अब ऐसी जॉब है कि लाइक मैं अभी स्टिल एक टेबल पे बैठी हूँ तो वहां पर मैं फर्स्ट डे ही देखकर शौक थी कि वहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपको हेड है फीवर है तो घर जाने के लिए ना पूछे राइट हैंड साइड पर ड्रॉर है ड्रॉर ओपन करें मेडिसिन खाए और वर्क कंटिन्यू हमको लगता है ऐसी ऐसी भी होती मार्केट में मैं कर रही हूँ टारगेट बेस्ड जॉब की आपको नौ भी तब मिलेंगे जब आप टारगेट पूरा करोगे उनका और मुझसे हो ना वो टारगेट ना पूरा है लाइक क्रेडिट कार्ड का एक एक दो दो लाख के लिए कॉल करना जी आप कर दो आपको लीगल नोटिस भेज देंगे ये कर देंगे अब अग्रेसिव ना हुआ जाए कॉल के ऊपर वो कहते भाई ऐसे तो चलेगा नहीं गुस्सा दिखाओ आप कॉल के ऊपर है ना तो वहां पे फिर मैंने अपना जॉब वगैरह थोड़ा शिफ्ट करवाया कंप्यूटर के ऊपर आए वहां पे इतना प्रेशर की डार्क सर्कल्स होने लगे आई वीक होने लगी स्पेक्स लग गए है ना बट स्टिल कभी मैंने मैं आपको बताऊ मैंने वहां पर चार से पांच महीने जॉब करी मैंने कभी नौ हजार रुपए नहीं लिए कभी आधी छुट्टी के काट रहे हैं कभी पूरी छुट्टी के काट रहे हैं कभी टारगेट ना पूरा होने की वजह से काट रहे हैं तो मुझे इन द एंड जब मैं वहां से, से आ, अपनी जॉब छोड़कर आई तो मुझे लाइक like, लिटरली यकीन नहीं करोगे मुझे दो हजार भी नहीं दी उस बंदे ने वो मुझे दो हजार भी नहीं दिए एंड में मैं इतना किराया लगा देती थी।, थी पैदल चलती थी कि चलो दस रुपए बचेंगे पंद्रह रुपये बचेंगे मतलब मैं आपको बता रही हूँ इतना इतना स्ट्रगल है मार्केट के अंदर मैंने वो चीज करना स्टार्ट करा करते करते ना टू ईयर आया लाइफ चिल चल रही थी उससे पहले भूल चुके थे क्या क्या दुख है लाइफ में सब कुछ ठीक है लाइफ ऑन ट्रैक हो गया था थोड़े टाइम बाद हो जाते लाइफ ऑन ट्रैक तो लाइफ आ गई हो गया सब कुछ सेटल वेटल हो गया अब लिविंग का मिला दो हजार सतारा के अंदर दो हजार सतारा में फॉर एवर आया और दैट टाइम एक छोटे से रूम के अंदर हम सरवाइव करते थे क्योंकि मैं मेरे मदर और दो मेरे ब्रदर्स तो हम इस तरीके से सरवाइव करते और मुझे कंसेप्ट मिला घर पर ही मिला उससे पहले मुझे एक बार आ गया था उससे पहले क्या चीज है मुझे एक पर्सन ने ऑपरचुनिटी के बारे में बताया था ऑन कॉल किसी फ्रेंड ने कि लक्ष्मी ऐसे ऐसे ना पोटेंशियल दिखता है ऐसा कर कि एक काम है कुछ नहीं है यार हेल्थ रिलेटेड है आ जा तू काम करना शुरू कर दे और लाइक तू गूगल के ऊपर सर्च कर वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा वर्ल्ड बेस्ट बी हनी तो मैंने सर्च करा और एक एलोवेरा जेली है हमारी फॉर एवर लिविंग की स्टिल है अगर आप पर्सनल केयर स्किन केयर में जाएंगे तो तो उन्होंने कहा एलोवेरा जैली है हेयर वगैरह स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो एज अ गर्ल है ना एज अ गर्ल पिच फेंक रहा था वो फ्रेंड तो मैंने कहा चल अच्छा है यार मैंने सर्च करा तो सडनली मुझे एक और कॉल आया दो दिन बाद कि ऐसे से काम स्टार्ट कर रहा है तो मैंने कहा अच्छा यार बता क्या काम है तो मैंने जब उन्होंने बताया तो मैंने उन्हें रिप्लाई करा कि मुझे तो ऑलरेडी ये दो दिन पहले आया है तो मुझे सामने से रिस्पॉन्स आता है अभी रुक जा अभी रुक जा मैं पहले थोड़ा सा कर लूँ फिर उसके बाद तू स्टार्ट करियो मैं तुझे बताऊंगा मैं चल ठीक है बता उसके बाद बताना तो ये चीजें हुई मुझे कंसेप्ट दिखाया गया नेक्स्ट डे मेरे घर पर जिन्होंने मुझे कंसेप्ट दिखाया था मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे पूरा डायरी वगैरह के ऊपर अच्छे से समझाया और मैंने समझा मुझे अच्छा लगा और दैट टाइम भी मैं कहीं ना कहीं कुछ काम सर्च कर रही थी और नहीं दैट टाइम मैं जॉब कर रही थी और उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था आप, हम बर्थडे में कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं यार मिडिल क्लास कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगी और आपको ताकि क्लियर हो कि हाँ यार ये चीजें ना रियल है फेक नहीं है मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बहुत सारे लोग जानना चाहते मैम कैसे स्टार्ट करा डीप जर्नी बताओ मैम कैसे दैट वाज डे मार्च मुझे दिखाया गया आप देख सकते हो लिविंग ऑफ लाइफ कैसा बहुत ही सिंपल छोटा कल सर ने बताया ने कि यार हम तो मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर भी नहीं आते ये रियालिटी है हम लोग नहीं आते इस तरीके से सरवाइव करना मेरे भाई का बर्थडे में सोचिए उसे प्रेजेंट क्या दू मैं एक बीस रुपए का रोज ही अफोर्ड कर सकती थी उस दिन मैंने वो प्रेजेंट किया उसे मैं केक लेकर गई घर पे घर पे वही राजमा चावल बना लेने थोड़ा सा पनीर बना लेना दैट्स और मिडिल क्लास की यही लाइफ है तो इस तरीके से मुझे इस दिन दिखाया गया प्रॉपर डीप मैंने अपना ज्वाइनिंग करा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो फेक है ये पहले से बने हुए हैं ये मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म है लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ऑफलाइन में ये कंसेप्ट स्टार्ट करा था टू में आप स्टैम्प देख सकते हो मोहाली आरडीओ का स्टैंप जो कि सतारह मार्च दो मैंने सात मार्च को प्लान देखा था थान मार्च को मैंने ज्वाइन कर लिया था इस कंसेप्ट को एज ए एफ बी ओ में यहाँ पर बन गई थी लाइक like, ये डिजिट की जो हर इंसान की वर्क कर तो ये मेरी आइडिया है आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोगों ने मतलब यहाँ पे एक फॉर्म फिल करा मैंने स्टार्ट करा मैंने लोगों को देखा यहाँ पर लेवल्स अचीव करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर एंड में मैं खड़ी हूँ है ना तो उस टाइम क्या था बस इसी तरीके से जाना आना और मैंने देखा बहुत सारे सीनियर्स मेरे जो मेरे साथ आए थे जो मुझे लेकर आए थे या जो मेरे से बाद आए थे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ ली तो कुछ ऐसे लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के जो बहुत पॉपुलर हैं लाइक सुनील गुप्ता सर तो मैं इनसे मिली एक सक्सेस डे में इनसे मिलने का मौका मिला मुझे पंचकुला के अंदर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई इतने हाई लेवल पर सर इतने डाउन टू अर्थ मैं यहाँ पर मिली सर से इस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट करी जो मुझे लेकर आए थे जिन्हें मैंने देखा कभी बाइक बसों के अंदर आना और फिर देन उनको गाड़ियां लेते हुए देखना जब मैंने देखा यार ये लोग कर सकते हैं सेशंस लगाए बहुत सारे लोगों को लगता है यार ट्रेनिंग लगानी पड़ती है बहुत सारी बिगनर्स है हमारे बीच में यार सीखना पड़ता है आप देख सकते हो कितनी भीड़ है ये एक छोटा हिस्सा है जो हम कैमरे में कैप्चर कर पाए मैंने अपनी फोटो क्लिक करवाई थी दैट टाइम यार हम भी कभी सक्सेसफुल होंगे ना तो ये बहुत छोटा हिस्सा है ये ऑफिस पूरा भरा होता है उस टाइम भरा होता था ये ऑफिस तो लाइक चेयर पे मैं भी बैठू देख रहा हूँ कितने सारा यूथ बैठा हुआ है तो ये एक स्ट्रगल आपको करना पड़ता है देन उसके बाद बात की जाए बहुत सारे सुपरवाइजर्स बने आप यहाँ पर भी देख सकते हो मुझे अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि बहुत सारे मैं अगेन बोल रही हूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार इन्हें तो शायद सिस्टम सिस्टम सपोर्ट करता होगा या ये पहले से बने बनाए ये फेक स्टोरीज हैं या ये अपनी जर्नी क्यों बता रहे हैं बताने का मेन रीजन ये होता है कि यार हमने करा है तो आप भी कर सकते हो इस तरीके से हमने स्टार्ट करा है यहाँ पर देन मेरा सुपरवाइजर हुआ असिस्टेंट मैनेजर हुआ जैसे आप देख सकते हो फिर मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा जो घर के अंदर सिचुएशन चल रही थी लाइक हमारे घर में एक टू व्हीलर भी नहीं था जो था कभी मेरी सिस्टर ने अपनी जॉब से लिया था तो मैंने भी डिसाइड करा यार बसों के अंदर कब तक हम लोग मतलब मैं कब तक बसों में ऐसे जाऊंगी तो एक एटलीस्ट अपना पर्सनल टू व्हीलर होना चाहिए कोई व्हीकल होना चाहिए तो दैट टाइम मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी थी और मेरा जो पे आउट था मैं अंडर सिक्स फिगर था सिक्स फिगर नहीं था एएम का पे आउट मैं जैसे ही मैनेजर बनी मेरा पे आउट सिक्स फिगर हुआ मैं आपको बताऊँ मैंने मैंने जहां पर जॉब्स करी हैं या मैंने जहां पर इंटरव्यू दिए चंडीगढ़ में अलंटे मॉल है वहां पे मुझे नाइन थाउजेंड के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था लाइक आप हमारे जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं आपकी पर्सनालिटी हमारे हमारे वर्क से सूट नहीं करती है बहुत सारी चीजें करके रिजेक्ट करके निकाल दिया जाता था बहुत जगह इंटरव्यूज दिए जब मुझे बिजनेस मिला तो दैट टाइम मैंने कुछ प्रमोशंस वर्क करना स्टार्ट करी और जब मैं ज्वाइन करने की मतलब बिल्कुल मैंने कर लिया था लाइक सेवेंटीन मार्च को तो मैंने अपने मदर को नहीं बताया कि मैं उस कंसेप्ट में हो चुकी बिकॉज जो मदर अगेंस्ट थे नेटवर्क मार्केटिंग के बिकॉज होता है ना फैमिली को बहुत सारे मतलब कि बता देना कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है लड़के होते हैं लड़कियां होती है, हैं है, बच्चा बिगड़ जाता है एंड ऑल एंड ऑल तो मेरे मदर भी बिल्कुल अगेंस्ट थे कि पैसा फंस जाता है कंपनीज भाग जाती है तो मेरे मदर भी मतलब नेगेटिविटी के चलते उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग के अंदर तो कभी किसी रिलेटिव से बात करवा रहे हैं कभी किसी रिलेटिव से बात करवा रहे हैं कभी कोई सी पड़ोस वाली आंटी समझाने आ रही है कभी कोई अंकल समझाने आ रहे हैं तो मैंने अपनी फैमिली को ना स्टार्टिंग में बोल दिया था लाइक यार मैं नहीं कर रही मैंने उन्हें बोला चलो ठीक है मैं अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू रख रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को और उस टाइम क्या होता था लाइक सेक्टर थर्टी चंडीगढ़ के अंदर मक्खन चलुबाना एक ऑडिटोरियम है छोटा ऑडिटोरियम है वहां पे ना संडे टू संडे वेबिनार लगते थे संडे टू संडे वेबिनार अब मुझे सडनली कॉल आया कि तेरे लिए एक जगह बचा कर रखी है तो जल्दी से आ जा अब मैं देख रही हूँ संडे है मम्मी की छुट्टी है और मैं घर से निकलूँ क्या बोलकर मैंने एक फ्रेंड को कॉल करा अपनी मैसेज टाइप करा कि तू मुझे कॉल कर और ऐसा बोल के ग्रुप स्टडी के लिए आ जा एग्जाम तो मुझे कॉल करा तो उसने डायरेक्ट ही बोला कि आंटी से बात करवा दे मैंने अपने मदर से बात करवाई लेकिन कहा था उसे तो मदर कहते चल ले जा अपनी बुक्स ले जा और पढ़ के सीधा घर आना कहीं नहीं जाना मैंने कहा हाँ ठीक है मैं गई और मैंने जाकर बस क्या करा मैंने मक्खन झालुबाना का रास्ता पकड़ लिया मक्खन झालुबाना के बाहर आकर सीधा फोन स्विच ऑफ मैंने अपना फोन ही बंद कर लिया अब सेशन वेबिनार चल रहा है लंबा दो घंटे हो गए तीन घंटे हो गए अब मम्मी की तो परमिशन ग्रुप स्टडी घंटा घंटा हो गया यहाँ से गए अब मम, पता ही नहीं किसी को क्या चल रहा है और मैं बस मस्त शाम को अब घर गई किताबें खोलकर मम्मी ने मेरे डायरेक्ट दीदी घर पर आए हुए कॉन्फिडेंस दीदी घर पर आए हुए दीदी मेरे मैरिड को घर पर आए हुए तो तो कहते कैसी रही ग्रुप स्टडी फोन क्यों बंद हो गया था मैं कहा ऐसी शायद बैटरी वगैरह नहीं थी दिखा अब फोन में तो 70 बैटरी है कहाँ से चार्ज हो गया एकदम अब सामने से मेरे मदर पूछ रहे हैं मैं कहा ये हो गया बस आते हुए कर लिया कहीं पर अच्छा ऑटो वाले ने लगा रखा था लगता है चार्जर तो मेरे मदर के लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट और उसके बाद तो मैंने उन्हें बताया तो घर में काफ ज्यादा मतलब होता है ना कि लड़ाई आर्ग्यूमेंट सब तो मैंने इन द एंड बता दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे एक सेमिनार अटेंड करने गई थी तो मेरे मदर ने लाइक मेरे से दो दिन बात नहीं करी दीदी आए थे तो दीदी -दी मिल मिल कर चले गए अपना और दीदी -दी फिर फोन कर रहे हैं कि क्या हुआ जाता नहीं रही होता ही है ना ब्रदर सिस्टर को क्योंकि मेरे दीदी -दी, मतलब होता है कि बड़े भाई बहनों को थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होती है तो लाइक लेकिन उन्हें उस फील्ड की नॉलेज नहीं होती जिस फिल्ड जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं तो लाइक उन्होंने भी चलो ठीक है मम्मी करने दो जो कर रही है देख लेने दो तो मेरे मदर ने एक दिन मुझे मेरे मेरे चाचा जी हैं लाइक वो दिल्ली में रहते थे तो उन्होंने बताया अच्छा ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग लड़कियों के लिए नहीं बनी है लड़कियां नहीं अच्छी लगती इन चीजों में करते हुए तो लाइक मैंने बिल्कुल अगेंस्ट होकर फॉर एवर लिविंग को इन द एंड स्टार्ट कर दिया था मैंने इन देंड स्टार्ट करा फॉर एवर लिविंग को स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करी बहुत सारी गलतियां करी फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में जो फ्रेंड्स में आ, हम ऑन रहते हैं हमने वो चैटिंग करना मैंने बंद नहीं करा गाने सुनने मैंने बंद नहीं करे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाइक आ गई और अब सेशन लगते ऑफलाइन काम है रात को कभी बारह बजे ट्रेनिंग हो रही है हमारे घर के बाहर एक पार्क दैट टाइम चंडीगढ़ में एक एरिया मनी माजरा करके तो हम वहां पर उस टाइम रह रहे थे रेंट पर तो वहां पर एक पार्क शिवाली गार्डन करके तो वहां पे सेशन लगने कभी दस बजे खत्म हो रहे कभी ग्यारह बजे कभी बारह बजे और जब मैं वापिस आती तो लोगों ने बातें बनानी अब क्योंकि देखो लोगों का काम है अब मैं जब आती तो पूरी गली खाली एक दो अंटियां जो बाहर खड़ी होती हैं है ना जो मतलब बातें इकट्ठी कर रही होती है कि नेक्स्ट डे किसी को क्या बताएंगे ताजा खबर क्या देंगे तो करते करते ना बातें चलने लगी कि फलाने की लड़की तो ऐसे घूम रही है बाप है नहीं है माँ ध्यान नहीं रखती पता नहीं क्या करके आती है रातों को है ना पता नहीं कहाँ जाती है कौन छोड़ने आता है मतलब बहुत सारी बातें नेगेटिविटी नियर डियर इतना ज्यादा मतलब कहते हैं ना गंदगी फैलने लगी थी आसपास और आप सोच कर देखो कि इन सिचुएशन अपने आप को ग्रोथ अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना सक्सेस की तरफ लेकर जाना तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा कि मतलब अब तो करेक्टर पे लोग बोलने लगे अब नहीं तो मेरे मदर मेरे मदर भी एक दिन उसी कन्वर्जेशन में खड़े हुए और एक आंटी ने मैं पीछे से आ रही थी एक आंटी ने स्किल बोल दिया तुम्हारी लड़की कहीं जाती है रातों को आती तुम बोलते क्यों नहीं कुछ आपको शर्म नहीं आती हम तो नहीं रहने देंगे आपको मोहल्ले में और लाइक अब पता था ऊपर वाले को शायद शुरू से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना तो जबान पहले से ही बहुत चलती है है ना ऊपर वाले का शुगर है कि पहले से ही बहुत चलती है तो मैं पीछे से आ रही थी मैंने भी बोल दिया पहले अपनी लड़की को देखो देखो वहां खड़े होकर बातें कर रही है है ना वो भी लड़का फोन गिफ्ट कर रहा है क्या कर रहा है मतलब व्हाटएवर एक्स वाइज जेड तो बस लाइक वो लास्ट डे था जब किसी ने मेरे बारे में शायद बोला होगा और उस दिन के बाद मेरे मम्मा ने मेरे से लाइक कन्वर्सेशन बंद कर दिया लिटरली जब तक मैं मैनेजर नहीं बनी मेरे मदर सुबह जॉब पर चले जाते थे और जब वो जाते थे मैं सो रही होती थी जब मैं आती थी तो मेरे मदर्स हो चुके होते थे कभी घर पे खाना नहीं खाना Uh, सुबह जा रहे हैं मदर मेरे ब्रेकफास्ट बनाकर जाते थे कभी ट्रेनिंग की इतनी हबड़ दबड़ होती थी क्योंकि 120 टोकन मिलने होते थे वहां पर तो सुबह जल्दी जाना और इतने पैसे भी नहीं होते थे कि लाइक यार एक बस का पास बनवा सके कितने का बस का पास बनता था उस टाइम पे चार सौ पांच सौ सात सौ रुपए का इससे ज्यादा नहीं था तो वो बस के पास के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे कई बार बस में चढ़ जाती बस कंडक्टर उतार देता कि आप तो विदाउट पास हो फाइन पे करो फाइन नहीं होता था तो वहीं उतार देते थे फिर दूसरी बस में चढ़ जाती थी मैं ये माइंड में ये नहीं आता था कि वो भी उतार देगा माइंड चेंज तो कर लेंगे और अगर उतार भी दिया तो कौन से रिश्तेदार बैठे हुए जो वहां बेचती हो जाएगी कल को भूल जाएंगे मेरी शक्ल को है ना तो मतलब करते करते मैंने पहुंच जाना कभी पैदल चलना जिन्हें कंसेप्ट दिखाया था कभी वो मिल जाना आ गई तेरी गाड़ी आ गई तेरे लाखों रुपए है ना तो और नेगेटिविटी मतलब एक आना तो माइंड में होता था यार लोगों की आ रही है तो मेरी भी आएगी जरूर आएगी दैट टाइम एक छोटे पीरियड के लिए तो नेगेटिव हो जाता है बंदा सुनकर यार इतना स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैदल चल रहे हो अपने आप को भूखा रख रहे हो स्ट्रगल होता है मेहनत कर रहे हो तो मैंने एफर्ट्स करने स्टार्ट करे जिन्हें जो मेरे साथ ऑफलाइन में, में है वो सब जानते हैं कि लाइक मैंने मैंने बहुत एफर्ट्स करे और सबने बहुत एफर्ट्स करे हैं जो ऑनलाइन में वो भी अच्छे टाइम पर कर रहे हैं मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ अभी कि लिटरली जब मेरा एएम हुआ मेरी इनकम आई मैंने अपने मदर को पैसे निकाल कर दिए अकाउंट में और मेरे मदर का यही था कि ये एक ही बार आते हैं ये बार बार नहीं आते मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं अभी आएंगे भी और और आएंगे मतलब तो फिर उसके बाद मैं जब बनी मैनेजर बनी मेरा सिक्स फिगर हुआ सिक्स फिगर हुआ फिर उसके बाद इतने सारे लोगों के सामने रिकॉग्नाइजेशन मिली मैं आपको अपना एक टाइम पीरियड बताती हूँ यहाँ पर बहुत सारे बिगनर है लाइक जो मुझे लेकर आए थे मैं फिर बता रही हूँ जो मेरे साथ के थे हम लोग सक्सेस डेज में जाते थे जैसे अभी भी होते हैं तो हम जलंधर जा रहे थे लाइक पूरी बस भरी हुई थी हर किसी के साथ एक ना एक टीम मेट था मेरे साथ कोई नहीं था और वो आई थिंक मेरा तीसरा सक्सेस डे था और मुझे इतनी शर्म आ रही थी उस बस के अंदर बैठकर मुझे इतना रोना आ रहा था कि यार सबकी टीम बन रही है सब अपने टीममेट्स लेकर आए हैं सबके ग्रुप है सबके लेवल है सबके पास रिबन है कुछ ना कुछ मेरे पास क्यों नहीं है उस टाइम है ना मतलब कहते कि आपको कोई और जलील करे ना आपको कोई और शेम फील करवाए इससे बेटर आप अपने आप को अपने अंदर ही अंदर करके ना खुद ही शेम फील कर लो अपने ऊपर और अपने आप को करेक्ट करो दैट टाइम मैंने सोचा कि यार मेरे सीनियर मैनेजर बने थे और मैंने कमिटमेंट करी थी कि नेक्स्ट ईयर ना क्योंकि नवंबर चल रहा था और मैं नेक्स्ट ईयर पक्का मैं भी इस टाइम तक एटलीस्ट मैनेजर लेवल मैं भी क्वालिफाई कर लूंगी मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था मुझे ऐसा लगता था क्योंकि फैमिली का प्रेशर आने लगा था या तो यहाँ कामयाब हो जाए या हम तेरी शादी कर देंगे या तो यहाँ कामयाब हो जाए या शादी कर देंगे तो लाइक मैंने गोल्स बनाने लोगों ने मजाक बनाना जो भी घर पे आए मैंने लिखना सिक्स फिगर आने वाली है छह महीने बाद जैसे मैं बोलते ना गोल बना लो चार्ट सेट कर लो तो लाइक मैंने भी यार लिखा हुआ तो लोग कोई रिलेटिव आ जाना उसने मजाक बनाना कि क्या लड़की को मजाक की लाइन में डाल दिया कुछ और करवाओ इससे बढ़िया सिलाई का कोर्स करवाओ ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स सिखाओ है ना इससे बढ़िया तो कुछ कढ़ाई वढ़ाई सिखा लो इससे कुछ और सिखा लो खाना बनाना सिखा दो इसे खाना बनाना नहीं आता इतनी बड़ी हो गई है इसे घर के काम सिखाओ ना कहाँ पर ये एक लाख रुपए लगते है ले लेगी आदमियों के काम है लड़कियों पे नहीं अच्छे लगते और मेरे मुंह पर आकर लोग ऐसे बोलकर जाते और और मुझे इतना अजीब लगता लगता मैं सामने से बट अंदर तो लगता, लेकिन पे एक ही चीज आती मैं तो एटलीस्ट ऑन ट्रैक हूं कि मेरा एक लाख आएगा आप हो उस रास्ते पर लोग मैं आपको बताऊ तो लिटरली सारे रिश्तेदार चिड़ने लगे थे कि यार ये तो मतलब जवाब देने लगी है फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया था फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया आ गई अब टू के बारे में बताएगी अब वर्ल्ड के बेस्ट हनी के बारे में बताएगी एलोवेरा के बारे में बताएगी सीसी बताएगी इससे भाई दूर हट जाओ मुझे धीरे धीरे करके मेरे फ्रेंड सर्कल ने ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया जो फ्रेंड्स जो मतलब कुछ भी करते थे मूवी देखने जाते थे कहीं घूमने जाते थे है ना कैसे क्लास बंक करनी है कैसे क्या करना है उन फ्रेंड्स ने धीरे धीरे करके ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया कभी किसी का मैसेज नहीं आना कॉल नहीं आना नथिंग कुछ नहीं अब हम रह गए अकेले अब अकेला बंदा क्या करेगा कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर अब अकेले सिर्फ क्या करना है फ्रेंड भी चले गए सब चले गए स्टार्टिंग में क्या करने गाने सुनने जी बैठ के है ना गजलें सुननी लगा लेना पंकज उदास कानों के अंदर और फिर देखना भाई चलो अब जिंदगी अकेली है तो बस गाने ही सुन लो तो धीरे धीरे समझ आया कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा मैं आपको बीच बीच में अपना स्ट्रगल भी बता रही हूँ सक्सेस भी बता रही हूँ सब मिक्स हो रहा है तो उस चीज का ध्यान रखिएगा है ना तो अब धीरे धीरे चल रहा है यार क्या करे लाइफ के अंदर क्या करे तो मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा मेरी ज्वाइनिंग आप लोगों ने देख ली दो में हुई मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ था जनवरी दो के अंदर जनवरी 2018 में मेरा सुपरवाइजर हुआ मेरी इनकम आई मैं इतनी ज्यादा खुश थी अपनी फर्स्ट इनकम से उसका रीजन पता क्या था यार जिस लड़की को 9000 के लिए रिजेक्ट कर दिया गया उसकी इनकम लाइक पच्चीस तीस हजार रुपये पहली इनकम आई है है ना एक ट्वेंटी प्लस तो मुझे बड़ी खुशी हुई तो उस टाइम तो क्या हुआ लाइक like, थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा करा मुझे ब्रांड्स बहुत पसंद मैं शुरू सबको पसंद होते हैं मैं शुरू में बसों में ट्रैवल करती मैं ब्रांड्स की तरफ देखती यार कभी हम भी आएंगे कभी मैं भी एक्सपेंसिव हील्स वगैरह वेयर कर पाऊंगी मैं भी कभी एक्सपेंसिव कपड़े लूंगी मुझे समझ नहीं आता था लेकिन एक, एक ड्रीम जागते हैं तो मैं हमेशा देखती थी मेरी फर्स्ट इनकम आई तो मैंने सबसे पहले अपने मदर को एक शोरूम में ले जाकर खड़ा करा मैंने कहा मम्मा यहाँ से यहाँ से शूज ले लो यहाँ से शूज लो क्योंकि जनवरी थी थोड़ा सा विंटर्स होते हैं मैंने कहा मम्मा यहाँ से शूज लो क्योंकि मेरे मदर ना जॉब करते हैं तो मतलब मैंने आपको बताया मेरी फैमिली कंडीशन क्या आप देख चुके हो तो मेरे मदर चप्पलों में जाते थे ठंड लगती है यार तो मैंने अपने मदर को वहां पर खड़ा करा तो मेरे मदर को लगा कि लाइक सस्ता सा होगा ठीक है तो वहां पे मदर कह रही तो फिफ्टी परसेंट सेल लगी है मैंने कहा नहीं भैया सेल वाला मत दिखाना कोई अच्छा फ्रेश पीस दिखाओ तो मेरे मदर ने कुछ शूज वगैरह पिक करे तो कहते हाँ ये ले ले तो उसका बिल नियर अबाउट बना थ्री थाउजेंड समथिंग अब अपने एक जोड़ी चप्पलें उठा ली मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार मैं अपने मदर के लिए कर रही हूँ तो मेरे जब बिल पे करने लगे ना हम जाने लगे तो मदर कहते कितने का है मेरे का कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो अंकल ने एकदम से रोक दिया कहते आपकी लड़की ने ना सबसे बेस्ट पीस लिया है थ्री थाउजेंड का वो तीन हजार का मेरे मदर ने वही बैग पर टक दिया मम्मी कहते मैं नहीं लेना ये यार तू रख मम्मी कहते तीन हजार में घर का राशन आ जाएगा तो चप्पले दिलवा रही किस कर खराब हो जानी है राशन से पेट तो भरेगा मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता यार ले लो पहली इनकम है ले लो कुछ तो ले लो मम्मी कहते नहीं नहीं मैं नहीं ले रही तीन हजार की चप्पलें दिखाओ ये तो वैसी है जैसी डेढ़ सौ रुपए की मिलती है ये नहीं लेनी ये रहने दे हम वो भी नहीं ले लेंगे देख सबके कपड़े आ जाएंगे चप्पलें आ जाएंगी बच भी जाएंगे पैसे इतने महंगे चप्पल पहन के क्या करना है तो मैंने लाइक थोड़ा सा फोर्स करा तो मेरे मदर इन द एंड थोड़ा सा एग्री हो गए और उन्होंने पिक कर लिया और उसके बाद मैंने देखा लाइक जो मुझे पसंद था मैंने थोड़ा सा वो अपने ब्रदर के लिए एंड ऑल करके फिर मैंने थोड़ा सा कहते हैं ना जब आपका छोटा सा गोल अचीव हो जाए ना आप मोटिवेट हो जाते हो अंदर से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही थी कि लाइक यार मैंने कुछ तो लाइफ में किया जॉब में कहा कर पा रही थी दो हजार सैलरी मिलती थी उसके अंदर भी आना जाना मुझे ऐसा लगता था मेरी जॉब के अंदर मेरा पूरा स्टाफ कैंटीन में जाता था होती किसी ने जॉब करूंगी पूरा स्टाफ मुझे शुरू से चाय पीने का शौक नहीं है मेरा पूरा स्टाफ कैंटीन में जाता था अब कोई बर्गर खा रहा है जाकर कोई समोसे खा रहा है अब अंदर से तो दिल करता लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती अंदर से बहुत दिल करता सब नहीं मेरा तो है, मैं घर से करके बैठे रहना और सब चले जाते और मैं बस बैठे बैठी अकेली जॉब के अंदर तो धीरे धीरे बैक टू ट्रैक है ना तो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप कुछ करते हो ना फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू करी टीम्स बनाई रातों को ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट करा है ना मुझे पता लगा कि यार कैसे मेहनत करते हैं क्या मुझे मुझे समझ आने लगा कि कैसे अपने आप अपने अपने टाइम को यूज करना है मैंने सबसे पहले अपना मेमोरी कार्ड निकाल के तोड़ दिया पंकज उदास जिंदगी से चला गया फाइनली है ना उनके गाने सुनने मैंने बंद कर दिए किशोर कुमार सुनना मैंने बंद कर दिया मुझे पुराने गानों का शौक मैंने सब बंद कर दिया और लिटरली मुझे कोई गाने पसंद नहीं आज मुझे ऐसा लगता है बोर बहुत बोरिंग लगते हैं यार सॉन्ग तो मैंने बंद करे वो सारी चीजें मैंने अपना तोड़ के फेंक दिया है

कभी कई बार तो ऐसा होता था मेरे साथ लिटरली एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने चप्पल पहन रखी है लेकिन नीचे सोल नहीं है सोल समझते हो ना नीचे बेस होता है जहाँ जो आपके फर्श से बचाता है आपके पैरों को और मेरा पैर पूरा छिल गया नीचे से और किसी को नहीं पता वो चीज और मैं इतने धीरे धीरे अपने स्टेप रख रही थी कि, कि किसी कोई सामने से आ रहा है या पीछे से आ रहा है उसको पता ना लग जाए कि मेरी चप्पल के नीचे सोल नहीं लगा हुआ और मैं देख रही हूँ मैं इनविटेशन कर रही हूँ वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म बताने निकली हूँ मैं मेरी चप्पल के नीचे सोलनी है और मैं वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ की आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अभी आप ट्रे बसों में ट्रैवल कर रहे हो मैं पैदल हूँ और मैं उसे कह रही हूँ आप आप प्लेन में ट्रैवल कर सकते हो फ्यूचर के अंदर और लिटरली ना हम नहीं कर सकते जा लड़की हमारा टाइम मत खराब कर जा यहाँ से कहाँ से उठकर आ जाओ तो ये आ गए खुद के पास आपका ड्रेसअप देख लो ये वो आप हमें बनाओगे मैं ऑलरेडी ये छान करता आई एम सेटिस्फाइड मेरे पास टाइम नहीं एंड ऑल जो भी मतलब बहाने हमें मिलते हैं मार्केट के अंदर एक हजार बहाने बंदे देते थे तो उसके बाद लगा यार थोड़ी थोड़ी टीम बनानी शुरू करी बना सुपरवाइजर हो गया जैसे तैसे करके आठ नौ महीने खराब करे अपनी जिंदगी के वो मैंने आपको बता दिया टीम पे हंड्रेड परसेंट फोकस करना स्टार्ट करा असिस्टेंट मैनेजर हो गया असिस्टेंट मैनेजर हुआ फर्स्ट इनकम नियर अबाउट फिफ्टी टू सेवेंटी के आसपास आई अपनी मेहनत से मैं आपको बता रही हूँ किसी भी लेवल पर को, कोई भी इनकम फिक्स नहीं है आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना मिलेगा आप जितना डिजर्व करोगे एक्चुअल में मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा नवंबर दो के अंदर तो मेरी फर्स्ट इनकम सिक्स फिगर आई मैं इतना ज्यादा खुश थी अगेन मैंने सारे पैसे निकाल लिए कि वापस ना चले जाएं फोर एवर के अंदर ही अगर मैं तीन दिन कहते हैं ना आप पैसे निकाल लो तो बढ़िया है <laughs> अब अकाउंट भी कौन सा जिसकी लिमिटी दस हजार रूपए अब मैं चली गई कुछ साढ़े दस हो रहे थे शाम के इनकम आई आई तारीख तारीख को को थिंक थी मैं देखकर बताती हूँ फर्स्ट इनकम हाँ पंद्रह एक दो हजार उन्नीस को मेरे अकाउंट में आई मैं चली गई रात को साढ़े दस बजे अकाउंट से निकालने अब आए साढ़े दस हजार ही आए सिर्फ लिमिट इतने की अब मैं कह रही यार मेरे तो बाकी के नब्बे हजार फंस गए इसके अंदर अब मैं क्या करूं और मेरे साथ में... मेरा भाई कह रहे तो दस हजार पागल चोरी हो जाएंगे अब हमने तो पहली बार देखे यार दस हजार रुपए वो भी अपने निकाले हुए क्योंकि जॉब से कभी सैलरी नहीं मिली इतनी तो और मैं देख रही यार मेरे नब्बे हजार फस गए अकाउंट के अंदर लाइक मैं क्या करूँ मैं मशीन हिला रही हूँ मेरे को समझ मैंने पहली बार एटीएम यूज करा कैन यू बिलीव मैंने दो थार के अंदर मेरा अकाउंट नहीं था दो में मैंने अकाउंट बनवाया वो भी किसी से पांच रुपए उधार लेकर आई एम ग्लैड मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ मैं ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ कि मैं फॉर एवर लिविंग के अंदर आई और शायद वो पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि मैंने मना नहीं करा आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने लास्ट अपना एक अकाउंट ओपन करवाया है फाइव टू थ्री टू थ्री टू थ्री सेवन एट सिक्स सेवन एट सिक्स करके मेरा कस्ट, मैंने खुद कस्टमाइज किया था मैंने दस लाख का चेक देकर वो अकाउंट खुलवाया है मैंने कभी पांच सौ रुपये उधार लेकर कभी अपना एस में अकाउंट खुलवाया था और आज ऊपर वाले के शुगर से मेरे पास मेरा पर्सनल अकाउंटेंट है जो मेरा अकाउंट संभालता है मतलब मैं आपको पावर बता रही सिस्टम की क्या पावर है अब मैं हो गया ठीक है अब बिजनेस बड़ा करना है धीरे धीरे टीम डेवलप होने लगी है अलग अलग अलग, अलग एरियाज़ में बिजनेस जाने लगे तो मैंने भिवानी जाकर काम करना शुरू करा हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लग गया समझ नहीं आ रहा था कि लाइक अब क्या लॉकडाउन लग गया सब बंद जॉब जूब चली गई ऑफिस बंद हो गए वहां पर लोग घर बैठ गए तो पता लगा धीरे धीरे करके कुछ जूम ऐप होती है तो जूम पे कुछ लोग बैठ गए कुछ लोगों ने करना शुरू करा काम करना शुरू करा और लॉकडाउन में इतना अमेजिंग वर्क करा जहां पर हमारी मतलब कि नियर अबाउट वन लैक इनकम थी वो कई लोगों की दो तीन चार बड़ी में मैनेजर थी सीनियर मैनेजर हुआ कारक्लैंड लेवल वन हुआ लेवल टू हुआ लेवल थ्री हुआ एम हुआ ग्लोबल रैली हुई फिफ्टीन हंड्रेड सीसी पर अभी लास्ट ईयर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सीसी पर ग्लोबल रैली को अचीव करा मिलियन एयर क्लब में आने का मौका मिला फॉर लिविंग से मैं आपको अगेन कुछ चीजें दोबारा शो करती हूँ मतलब आप ये चीज इमेजिन करो कि आप यहाँ पर एज अ बिगिनर हो अगर आप ना होते आप सोचकर देखिए अगर आप ना होते या अगर मैं ना होती तो लाइफ कैसी होती है ना मुझे पता है कि आई नो दैट यार हर इंसान अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस करता है मैंने भी फेस किया मैंने बहुत कुछ फेस करा लाइफ में सब करते हैं करना पड़ता है ना ग्रोथ लेने के लिए करना पड़ता है तो लाइक टीम बनाना स्टार्ट करी टीम बनती थी टूट जाती थी लीडरशिप नहीं थी स्किल्स नहीं थी टीम को संभालने की बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में देखी अप्स एंड डाउन आए अगेन मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ वेट अ मिनट कि मीन्स आप ये लगा लीजिए कि जिस जिसका मैंने कभी सुना था पानी में जहाज चलते हैं बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वहां पे लाइफ होती है सुना ही था कभी देखा नहीं था अभी लास्ट टी, लास्ट ईयर तो नहीं मैं बोलूंगी अभी करंट ईयर ही लाइक न्यू ईयर हमने वहीं पर सेलिब्रेट किया आप देख रहे हैं पीछे एक क्रूज है मेरे पीछे एक क्रूज है इसका नाम है क्रडालिया और ये अभी इंडिया के अंदर पहला क्रूज है जो चलने लगा है लाइक हम इसके अंदर गए इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था आप देखिए कि मुझे ये कंसेप्ट मिला था 20 साल की एज के अंदर और ये लाइफ में इंजॉय कर रही हूँ आप देख सकते हैं नाउ आई एम मैरिड मेरा एक डेढ़ साल का बच्चा है वो अभी से ये लाइफ एंजॉय कर रहा है वो क्यों कर पा रहा है क्योंकि मैंने कभी डिसीजन बनाया मैंने कभी सोचा ये पूरा ग्रुप है पूरा ग्रुप है हम पूरा ग्रुप गए थे फॉर लिविंग से कुछ ये सभी मैनेजर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब आपका एक डिसीजन ना इन्होंने भी कभी डिसीजन बनाया था और ये भी कोई अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं है ना अच्छे इनके कोई फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इनकी राइट और ये चीज एक अभी लास्ट मैंने ग्लोबल रैली अचीव करा जैसे मैंने आपको बताया तो कंपनी के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मिस्टर ग्रैक सर उनसे मिलने का मौका मिला बहुत सारे यंग अचीवर से मिलने का मौका मिला जो साउथ अफ्रीका से शी इज जस्ट ओनली नाइनटीन ईयर सी बी क्वालिफाई करके आ रखे थे मैम राइट और कंपनी इतना अमेजिंग आपको रहने के लिए uh, रूम्स वगैरह प्रोवाइड करती इतने एक्सपेंसिव आपको होटल रिजोर्ट्स वगैरह देते है, कुछ गिफ्ट आपको वहां से मिलते हैं है ना और ये चीज आप देखिए लाइक हमारे जब uh, ट्रिप होता था लाइक मैं बोलती सिटी टूर जब हमें दिया वहां पर तो हमारी ना एक एक प्रॉपर एक पुलिस की गाड़ी चल रही थी और उनके आगे एक आ, आ, बाइक पे एक आ, मतलब एक पुलिस मैन थे और जो कि पूरा ट्रैफिक क्लियर करवाते हुए जा रहे थे कि शायद हम लेट ना हो जाए या कुछ भी आप देखो कि इस लेवल का आपको मतलब फॉर एवर जो है वो ट्रीटमेंट देती है जो सारी चीजें पॉसिबल है ना इन द एंड वो फॉर एवर से ही है हम कहीं पर भी जाते हैं मैं तो कभी लिखना नहीं भूलती फॉर एवर और इस तरीके से मिलियन क्लब में आने का मौका मिलता है 2019 और 20 की लिस्ट है है जिसके अंदर मेरा भी नाम है। मैं आपको बता दू वो लोग होते हैं जो ईयर का टेन लैख अर्न करते हैं ईयरली है ना और आई एम ग्रेटफुल कि आज मैं मल्टी मिलियनियर हूँ तो मैं मिलियनियर बनी थी आज मैं मल्टी मिलियनर हूं मुझे नहीं पता कि मेरी साल की इनकम कितनी हो जाती है आज के टाइम पर वो चीजें नहीं पता बट जो स्ट्रगल की है ना स्ट्रगल की आप देख सकते हैं किस तरीके से कि मतलब सभी बन रहे हैं बट स्टिल यार हम वहां पर हैं लोग बन रहे हैं इस तरीके से शुरू करा कभी कभी सोचा नहीं था कि हमारे जैसे जिनके पास बसों में जाने का किराया नहीं होता था वो कभी बाय एयर भी ट्रेवल करेंगे मैं लिटरली मैं एक उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ कि मुझे अगर अपनी जॉब से मैं पांच सौ सौ रुपए बचा लेती थी ना मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं शॉप से जाकर कपड़े लू मैं ऐसा सोचती थी यार कहीं पर अगर कोई सेल लगी हो ना लाइक वो मंजे रेडी वाली कुछ मैं वहां से बाय कर लूँ जो मेरा कुछ चल जाए जब मैं फॉर एवर लिविंग में आई थी मुझे याद है फॉर्मल वेयर करने के लिए हमें बोलते थे और मेरे लिए इतना टफ था वो चीज करना अपने मदर से जाकर बात करना की मुझे फॉर्मल ड्रेस चाहिए और मैंने उस टाइम भी कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन वर्क वगैरह करे काम करना शुरू करा कि मैं लाइक क्या फॉर्मल पेंट बाय कर पाऊँ एक फॉर्मल शर्ट बाय कर पाऊँ ताकि मैं प्रोफेशनल लगूँ थोड़ी सी और लाइक चप्पले भी ऐसे लेते थी सेल में से अंकल चल तो जाएगी ना अब ये ये चीज लगा लो यार अगर मेरे जैसी लड़की कर सकती है ना मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ना कोई भी इंसान कर सकता है कोई भी इंसान मैं वो स्टूडेंट रह चुकी हूँ जो क्लास में अगर कोई आते ना टीचर्स आते हैं लाइक वो जो ट्रेनिंग्स वगैरह पर होते हैं कोई आकर बोलता तो थे ना कि बच्चों कौन अपना इंट्रोडक्शन देगा मैं कभी हाथ नहीं ऊपर करती थी मैं ऐसे बैठी रहती थी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है अपना दीवारें देखनी इधर उधर देखना और अपना आ जाना मैंने आज तक कभी हैंड करके अपना इंट्रोडक्शन सीरियसली तो बता रही हूँ मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन होगा कि मैं लक्ष्मी और मैं ये बनना चाहती हूँ मेरी क्लास में जो बच्चे होते थे मैं बड़े होकर पापा बनूंगा मैं बड़े होकर चाचा बनूंगा मैं बड़े होकर पा... लोग बताते थे अपने बारे में पायलट बनूंगा लड़कियां बताती मैं टीचर बनूंगी फैशन डिजाइनर बनूंगी मैं ये बनूंगी मुझ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया बताने का मुझ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया आज मैं इतने लोगों को ट्रेनिंग कर दे, दे देती हूँ तो मैंने ये चीजें सीखी हैं मैं पहले से नहीं थी मैं बाय बर्थ बाय बॉर्न नहीं थी कोई भी सिल्वर स्पून नहीं पैदा हुआ यहाँ पर लिविंग में जितने आए सारे सेल्फ मेड है आप भी बन सकते हो तो ये मेरी जर्नी और बहुत सारी चीजें मिस आउट रह गई जो शायद मुझे अभी याद नहीं आता और मैं इतना कह सकती हूँ इन दैंड शायद अगर मैं फॉर में ना होती अभी मैं यहाँ ना होती तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती मैं कहाँ होती मैं आज भी सात आठ हजार की कहीं पर नौकरी करती मैं आप लोगों को एक चीज बता हूँ कई लोगों के माइंड में आ रहा है यार लिविंग को फुल टाइम करूँ पार्ट टाइम करूं या छोड़ दू मैं आपको बताऊँ आप अपनी जिंदगी के ना दो साल यहाँ पर सीरियस होकर दे दो अगर यहाँ कुछ नहीं बना ना मार्केट में जो सात हजार की नौकरी आपको आज प्रेजेंट है ना वो दो साल बाद फ्यूचर में भी मिल जाएगी लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यहाँ पर आपने इतने लोगों को सुना इतने लोगों की जर्नी आप लोगों ने सुनी सबका सेम है लास्ट टाइम जहान सर ने अपनी कंडीशन बताई है ना तो उनके कैसे उन्होंने अपने ब्रदर को लोस्ट कर दिया मैं आपको लिटरली बताऊ मेरे फादर का जो मेरे फादर की जो डेथ हुई वो बाय हार्ट अटैक हुई थी और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनका ऑपरेशन करवा सके मैं ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था शायद कल या परसों के सेशन में कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि यार मैं अपने और मेरे फादर को भी कहीं कही ना कहीं था कि अगर मैं बेड रेस्ट पर हो गया तो घर कौन देखेगा है ना तो ये चीज सोच कर देखो कि यार एक फैमिली के अंदर ना एक, एक इंसान चला जाता है जिंदगी भर के लिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे की कमी कहते हैं ना पैसा तो बहुत कमा लिया आज आप बहुत पैसा कमा लोगे लेकिन जो आपकी फैमिली मेंबर चले गए या कुछ भी आप उन्हें वापस नहीं लेकर आ सकते तो ये चीज देखो देखो मैं बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे फादर नहीं है मैं नहीं ये काम कर सकता मेरे नहीं थे मैंने किया रीजन ही यही बनाया कि यार तभी तो करना है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आज मेरे फादर होते ना वो लिटरली प्राउड फील करते कि यार लड़की ने वो काम करा है बैक बैक ना तो ये चीज देखो यार अगर आपकी आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स आपके मम्मी आपके पापा हैं यू आर लकी वन कि आप उनको कुछ करके दे सकते हो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो उनसे पूछो जिनके माँ बाप भी नहीं है बट स्टिल कंसेप्ट के अंदर है उन्हें देखो वो क्यों कर रहे हैं या तो आप अपने आने वाली जनरेशन सुधार सकते हो या अपनी पीछे जो जनरेशन है ना उसे सुधार सकते हो आप ये चीज लेकर चलो माइंड के अंदर कि जिनके मदर है यार किसको पसंद नहीं होता हम आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है मदर्स आर्टिफिशियल ज्वेलरिया देख रही होती है छह महीने की गारंटी वाली देख रही होती कि नहीं देख रही होती उनका मन करता है मीन गोल्ड वेयर करने का आप इतना कमाओ यार उन्हें दे सको लड़कों को भी मैं ये चीज बोल रही हूँ इतना कमाओ कि आप उन्हें दे सको खरीद कर हमारे फादर्स मैंने देखा है दिवाली दिवाली के ऊपर हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखो जैसा जैसा भी भी हो हो सबका मैं बोल रही जैसा भी हो, दिवाली पर हर माँ बाप चाहते हमारा बच्चा नए कपड़े पहने मेरे फादर हमेशा हमें नए कपड़े दिलवाते थे हमेशा लेकिन खुद क्या करते थे बेड में से कोई पुरानी शर्ट निकालते थे जिसपे कम दाग लगे होते थे धोते थे प्रेस करवाते थे और पहन लेते थे मैंने अपने मदर को भी यही करते हुए देखा है करवा चौथ आता है हमारे नियर डियर हर हर औरत सचती थी नया मेकअप खरीदती थी जाकर नए सूट वेयर करती थी चूड़ियां लेकर आती थी लेकिन मैंने वो चीज देखी है हमारी फैमिली के अंदर ये बहुत कम होता था जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी पैसे की कमी की वजह से है ना तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ कर पाए अपनों के लिए कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाए हम अपने करंट पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आप नौ दस हजार में ना मैं रियलिटी बता रही हूँ जो लड़के स्पेशली बॉयज के लिए जो सोच रहे ना यार अगर यहाँ नहीं कुछ बना तो जॉब कर लेंगे शादी हो जाएगी ना कल को आप अपनी वाइफ के आज के टाइम की औरत के खर्चे नहीं आप संभाल सकते जो उन्हें मार्केट से चाहिए आप वो नहीं अफोर्ड करके दे सकते अपने माँ बाप को क्या देखोगे तो ये माइंड में ना डाल लो कि जो कंसेप्ट आपको अब मिला है ना ये वर्ल्ड का बेस्ट है इससे बेटर कुछ नहीं है इससे बेटर कुछ नहीं है इन द एंड में यही चीज बोलूंगी कि देखो किसी किसी पे डिपेंड होकर मत आना जो आपको लेकर आया उससे सीखो जो आपको सिखा रहे हैं उससे सीखो कोई आपको रिलेटिव कुछ बोल रहा है या कोई कुछ और कर रहा है ना उसको रहने दो मेरे रिलेटिव ने बहुत कुछ बोला था अभी भी बोलते होंगे मैं आपको मुझे मुझे जीरो परसेंट फर्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से मैं मेरी बहुत सारे सुन भी रहे होंगे मुझे यहाँ पर या बहुत सारे इग्नोर कर देंगे या कुछ भी है मैं लिटरली बता रही हूँ मैं आज वो पर्सनैलिटी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से और मुझे उस टाइम पर भी नहीं पड़ता था मैं हमेशा अपने दिमाग से चली हूँ मुझे पता यार मुझे मुझे क्या करना लाइफ में मुझे लगा मुझे लिविंग के अंदर अपना फ्यूचर दिखा मैंने ये चीज चूज करी मुझे लगा हाँ मेरी अजहर के साथ अच्छी बनेगी मैंने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाया मैंने नहीं देखा अपने अपने किसी को नहीं देखा मुझे इतना पता इन द एंड फैमिली मान जाती है स्टिल सारी चीजें ठीक हो जाती हैं है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई रिलेटिव जो बोलते थे ना रहन दे फॉर एवर मत कर वो मेरे बच्चे के डाइपर का खर्चा नहीं उठा रहे वो शायद इतना इतना वो कमा नहीं रोएंगे बाहर मार्केट में जितना हमारा कभी डाइपर पहन चुका है अभी तक है ना तो ये चीज सोचो कि कोई नहीं देने वाला आपके घर में कोई राशन नहीं डलवाएगा आकर मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको बहुत सारे लोगों को लगेगा पता नहीं यार क्या बोल रहे हैं बस करो चुप हो जाओ बट दिस इज द फैक्ट दिस इज द लाइफ आप किसी की सुनकर अगर नहीं बैठ जाओगे ना घर पर मेरे फादर चले गए थे जो मैंने आपको बताया तेरहवीं करके सब चले गए अपने घर पर सबने खर्चे बता दिए मेरा इतना लगा लकड़ी के ऊपर मेरा ये लगा मेरा बोला किसी ने ये नहीं पूछा आपके घर में आटा है दैट्स रियालिटी दैट्स रिलेटिव ये रिलेटिव होते हैं जिनको सी बोला जाता है एक्चुअल में और वो होते हैं सच में होते हैं वो तो इनकी मत सुनो ठीक है किसी की मत सुनो ना फ्रेंड सर्कल की सुनो मेरा कोई फ्रेंड आज के टाइम पर मेरे साथ नहीं है पहले मजाक बनाते थे आज आज कुछ नहीं कर सकते वो पहले बोलते थे ठीक है यार तू कर ले आज बोलते यार तूने मेहनत करी तू पहुंच गई हम नहीं कर सकते ये रियलिटी आप मेहनत करोगे तो आप पहुंच जाओगे वरना कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ तक आप अपने एफर्ट्स करो आप वो सारी चीजें फ्यूचर में अफोर्ड कर पाओगे जो आपको पसंद है जो आप चाहते हो आज मुझे नहीं लगता ऐसी लाइफ में कोई भी चीज है जिस चीज पर मैं हाथ रखू और वो ना हो मेरे पास ऊपर वाले के शुक्र से सब है एक घर नहीं था है ना तो मैंने सोचा कभी मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि लाइक अगर वो होगा मेरे पास जस्ट वेट <laughs> मेरे पास है नहीं अभी प्रेजेंटली मैं आपको वो चीजें दिखाती कि लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार हम लोग जॉब के अंदर वगैरह जो भी है कि यार कभी अपना घर भी होगा मैंने अपना दिखाया मैंने मुझे ऐसा लगता है मैं जब से बड़ी हुई हूँ लाइक मैं आपको रिलेटिव बताऊँ रिलेटिव ऐसे होते हैं ज्वाइंट फैमिली में रहोगे ना आधी रात को बाहर निकाल देंगे ये मैंने अपने बचपन में ही देख लिया था हम रहते थे हमें आधी रात बारिश में आई थिंक 2004 या 5 का टाइम था ऊपर तक पानी था मेरे फादर ने मुझे अपने कंधों पर उठा रखा मैं घर से निकाल दिया था आप किसी के साथ रह भी नहीं सकते मतलब आज के टाइम पर कि मतलब जो मैंने अपना बचपन देखा है ना वो ऐसा है कि जब हम गए थे कहीं पर रहने तो किसी ने रेंट वेंट करवा दिया था रेंट का रूम वगैरह अरेंज करवा दिया था पापा के कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह थे अरेंज करवा दिया देन कुछ ऐसे थे कि जहां पर हमने घर लिया था तो उनके मकान मालिक आए थे कहते बच्चों ने कुछ खाया नहीं होगा तो मेरे मदर कहते हैं कुछ खाना वगैरह है तो दे दो हमारे पास क्योंकि ना गैस बनाने के लिए क्योंकि हम बहुत छोटे और मेरे मदर कहते कुछ आपके पास है तो कहते सब्जी तो खत्म हो गई रोटी है वो चलेगी कहते हाँ कोई बात नहीं नमक डालकर दे दो रोटी के ऊपर तो मीन्स वो टाइम था और एक आज का टाइम में जो आपका बुरा सोचते है ना वो कभी आपका बुरा नहीं कर सकते क्योंकि कहते हैं ना जिसके साथ ऊपर वाला है ना उसका जमीन वाले कुछ नहीं उखाड़ सकते बहुत सारे लोग हैं बिजनेस के अंदर बाहर मार्केट के अंदर बहुत लेट डाउन कर, करेंगे आपको नीचे गिराने की, की कोशिश करेंगे लेकिन मैं अगेन कहती हूँ जो ऊपर वाला आपके साथ है ना जमीन वाले कीड़े इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे आपका कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता तो जितने भी बिगनर्स है ना फ्रेशर अपना फ्यूचर सोच लो क्या होने वाला है लोगों की मत सुनना बस है ना लोगों की मत सुनना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा सबका होगा और सबका जो खड़ा रहेगा एंड तक वो देखना आप इंटरनेशनल भी जाओगे आप वर्ल्ड टूर भी करोगे आप डोमेस्टिक भी करोगे आप कार प्लान भी अचीव करोगे आप सब कुछ करोगे बस दो चीजें करना है यहाँ पर एक तो किसी की सुनना मत और फॉर एवर को छोड़ना मत दो चीजें अगर आपने कर ली ना यहाँ पर मैं कहती हूँ दुनिया सल्यूट करेगी लोग जानेंगे आपको मैंने फॉर एवर लिविंग को शुरू करा था कोई नहीं जानता था कौन थी लक्ष्मी शर्मा आपको लग रहा है जो फोटोज मैंने दिखाई वो लड़की कभी अपनी पहचान बना सकती थी बाहरी में नहीं बना सकती थी फॉर एवर ने पहचान दी आज हर कोई जानता है यार मैं कौन हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए है ना अभी लास्ट टॉप टेन में मैं रही मोस्टली सारे बॉयज थे मैं अकेली थी वहां पर तो ये चीज है कि सोच कर देखो कि आप लाइफ में वो चीजें अचीव कर जाओगे मैं मैंने कभी सोचा नहीं था फॉर एवर लिविंग में आने से पहले कि मैं ये चीजें अचीव करूंगी मैंने की मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल बहुत ज्यादा थैंकफुल ऊपर वाले की कि उन्होंने शायद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेजे कुछ ऐ, कुछ माइंड में ऐसी चीजें डाली कहते ना मैं आपको बता दू कहते ना जब जबान पे सरस्वती विराजती है ना तो आपसे ना नहीं होती और वो सच हो जाता है है ना तो मैं कुछ उस तरीके से बता रही हूँ तो ये चीज रियालिटी है आपके जबान पे जब आपके फरिश्ते बैठे होंगे आपके आपके गुरु बैठे होंगे आपके भगवान बैठे होंगे ना तो वो आपका अच्छा ही करवाएंगे कुछ आपने कुछ सोच समझ के अपॉर्चुनिटी को हाँ बोला है जो आप यहाँ तक पहुंच गए वरना बहुत सारे लोग आज के सेशन में है नहीं है और जो नहीं है ना शायद उन्हें उन्हें नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहे हैं या क्या मिस कर गए ठीक है या वो आते तो शायद हो सकता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनता आज उनका मैं ये नहीं कहती मुझे देखकर बनता मेरे जैसे बहुत सारे हैं बट कहीं कही ना कहीं मेरी स्टोरी हो सकता है आपकी जैसी हो या आपकी स्टोरी मेरे जैसी हो बट मैं आपको इतना ही बोलूंगी आप टिके रहोगे खड़े रहोगे तो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे अदरवाइज देखो बाहर जो मार्केट ना वो बाद में भी मिल जाएगी नौ हजार की नौकरी तीन टाइम का खाना एक छोटा सा घर ये आपको बाद में मिल जाएगा लेकिन फाइव स्टार में डिनर लंच और ब्रेकफास्ट वर्ल्ड टूर ठीक है एक अच्छा आलिशान घर ये आपको यहीं रहकर मिल सकता है बाकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए मेक श्योर की आप लोगों ने लर्न किया होगा बहुत सारी चीजें स्किप हो गई बहुत सारी चीजें बता दी ठीक है बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आयम लक्ष्मी शर्मा ट्वेंटी थ्री पर मुझे टैग करके बता सकते हैं बाकी जो यूट्यूब पर है हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर ट्रेनिंग्स मैं तो यही चाहूंगी यार मेरी टीम में जितने लीडर्स है या जो मुझे सुन रहे ना मुझसे बेहतर बनेगा मुझसे बेहतर बनो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं मैम यू आर इंस्पिरेशन हम आपके जैसे बनना चाहते हो यार मेरे जैसे मत बनो मुझसे बेहतर बनो किसी के जैसा मत बनो उससे बेहतर बनो मुझे अगर एक हजार लोग जानते हैं ना तो आपको एक लाख लोग जाने ठीक है इस इस लेवल का माइंडसेट करो अपना ठीक है बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए कॉल्स वगैरह आ रहे हैं मेक श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ठीक है थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे उसके लिए सॉरी बट लाइफ है यार चलती है ना अब ऐसा तो है नहीं और बन गए तो रोना नहीं आएगा आता है कभी कभी आ जाता है बाकी चलिए थैंक यू सो वेरी मच मेक श्योर कि आप भी फ्यूचर में जल्दी जल्दी मैनेजर बनेंगे और मुझे आप लोगों के साथ सेशन होस्ट करने का मौका मिलेगा थैंक <coughs>